एक कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, अभी बहुत ही जल्दी एक वायरल हो रही है कविता, ये पढ़ना चाहूँगा। मैंने तुमको जब भी देखा लोहा देखा, मैंने तुमको जब भी देखा लोहा देखा, लोहा जैसे ढलते देखा, गोली जैसे चलते देखा। इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर एक कविता बहुत अच्छी तरीके से सूट कर रही है। सूट इसलिए कर रही है कि आप लोग गोली जैसी चल रहे हैं, AK-47 एकदम तैयार हो चुकी है और आपकी परीक्षाएं बेहतर से बेहतर हो रही हैं। परीक्षाओं के पहले बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर रहती हैं, लेकिन जैसे आप परीक्षा के दरमियान सारी चीज़ें सारी स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होती है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। एजुकेशन के पेपर में भी यही सारी चीज़ें हुई, दूसरे पेपर में बताई गई सारी चीज़ें आपके पेपर में वैसी की वैसे आ गई। एनालिसिस थोड़ा करते हैं सेकंड पेपर का, क्योंकि सेकंड पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद छात्रों के अंदर दोगुना उत्साह हुआ और सारी चीज़ें वैसी की वैसे ही आ रही हैं। आपका भाग भी सही है और मेरा भी बताने का भाग ही ठीक है। तो इस वजह से एजुकेशन के पेपर में मैंने बताया था कि माध्यमिक शिक्षा से एक सवाल लॉन्ग में आएगा और एक सवाल शॉर्ट में आएगा, तो 35 नंबर तो उसी से मिल गया आपका। इसके साथ साथ एक प्राथमिक शिक्षा से सवाल आया था, एक उच्च शिक्षा से सवाल आया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से सवाल आ गया था, इसको तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। तो एक भाषा के प्रकार का सवाल आया था, वो मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन जिसने भी, मैंने पहले बताया था कि आप अगर डी कुमार के आगे के जो 100 टाइप के आंसर हैं अगर उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। लॉन्ग टाइप वाला थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बताया माध्यमिक शिक्षा आप पढ़ लीजिए सेकेंड यूनिट या तो पाँचवीं यूनिट, सेकेंड से टच करके पूरा सवाल आ गया है जहाँ से मैंने बताया था। आपने बहुत बेहतर किया है, क्योंकि कई सारे लोग विश्वविद्यालय में ही, मैं खड़ा हूँ, वीडियो विश्वविद्यालय में ही बन रहा है, पेपर के 1-2 घंटे बाद का ही वीडियो है। आपके ओपिनियन पोल से पता चल रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आगे आने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितनी भी विषय की परीक्षाएं होनी हैं, कहीं से किसी को भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर होके 5-6 मिनट मुझे सुन लिया करिए, उसके बाद आधी टेंशन तो मैं वैसे दूर कर देता हूँ और आधी और पूरी की पूरी टेंशन आपकी दूर हो जाती है। हिंदी का पेपर अगला है, एनालिसिस उसका होगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। धैर्य रखा करिए, हमको परेशान ना किया करिए, फ़ोन बिल्कुल ना किया करिए और व्हाट्सएप पे मैसेज भी ना किया करिए। आप ग्रुप में तो मैं सारे ऐड हूँ, लेकिन आप लोग मैसेज ठोकते हैं, और किस लिए मैसेज करते हैं, भैया इम्पॉर्टेंट बता दीजिए, ये कर दीजिए, वो जो मेरा काम है वो अपना काम मैं करूँगा, बस इतना सहयोग दीजिए कि आप बहुत बेहतर करके आइए और दुनिया में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, दरिया नहीं समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा जो पत्थर से टकरा कर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, पर ऐसे ही बेहतर करते रहिए, अपना 100% पोटेंशियल यूज करिए, खूब अच्छी राइटिंग स्किल यूज करिए, आपका परीक्षा बहुत अच्छा होगा। इसी शुभकामना के साथ रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।